खबर गैनी केम छो दोस्तों, आज के डेट में व्हाट्सएप का यूज हम सभी कितना करते हैं ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, राइट? इससे हम हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ फ्रीक्वेंटली टच में रह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप में आती है लेकिन एक प्रॉब्लम, और वो ये कि हमें कोई भी कहीं से भी पूरी दुनिया में कोई भी अननोन ग्रुप में ऐड कर देता है। मतलब कोई अननोन नंबर का बंदा भी हो ना तो वो भी हमें किसी मार्केटिंग वाले ग्रुप में ऐड कर देगा, या फिर हमारे कोई फ्रेंड्स हैं जो मिस्चीवियस फ्रेंड्स हैं वो हमें आधी रात को ही किसी ग्रुप में ऐड कर देंगे, और दूसरे दिन जैसे ही हम फोन को ऑन करें, व्हाट्सएप को ऑन करें, तो भाई हमारी गैलरी जो है फुल हो जाती है पिक्चर्स से। अब यहाँ पे दोस्तों इन चीज़ों से बचने के लिए इसका एक सिंपल सोल्यूशन है जो हमें व्हाट्सएप की सेटिंग्स में मिलता है। तो चलिए आज आपको वो सोल्यूशन बता दूँ जिससे आपकी लाइफ हो जाएगी काफ़ी आसान। एंड इस सेटिंग को ऑन करने के बाद अगर किसी अननोन नंबर को या किसी कॉन्टैक्ट को भी अगर आपको किसी ग्रुप में ऐड करना है तो वहाँ पे उनको आपकी परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दोस्तों इस सेटिंग से आपका मैनुअल काम काफ़ी बच जाता है, एंड आपका जो डेटा है वो भी काफ़ी सेव हो जाता है। नहीं तो दोस्तों फालतू में वही सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाती है और आपका जो मोबाइल का डेटा है भाई वो पूरा यूटिलाइज हो जाता है, राइट? तो दोस्तों चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, एंड वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ओके, तो हम आ चुके हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, एंड दोस्तों मेरे पास है OnePlus Nord, तो मैं आपको ये एंड्रॉइड के हिसाब से जो सेटिंग चेंज करनी है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। इसके बाद ये आपको पूरा चैट सेक्शन नजर आएगा, मैंने तो इसे अभी आर्काइव कर रखा है, ठीक है? लेकिन आपको सेटिंग क्या चेंज करनी है वो आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स पे करना है क्लिक, एंड इसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आ जाओगे। अब यहाँ पे ये आपको सारी सेटिंग्स का ये जो है डेटा बताया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको अकाउंट पे क्लिक करना है, एंड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको आना है प्राइवेसी के अंदर। यहाँ पे आप आओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्राइवेसी की ढेर सारी सेटिंग्स नज़र आती हैं। यहाँ पे आपको ग्रुप्स को करना है सिलेक्ट। ये ग्रुप्स में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है विच इज हु कैन एड मी टू ग्रुप्स। अब दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाते हैं 3 ऑप्शंस। फर्स्ट इज एवरीवन, सेकंड इज माय कॉन्टैक्ट्स, एंड थर्ड इज माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट। अब दोस्तों अगर आपने लाइफ में कभी सेटिंग को टॉगल नहीं किया तो आपकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है एवरीवन पे ही। अब इसका मतलब ये है कि दुनिया में भले ही किसी का नंबर आपने सेव ना किया हो, बट अगर उन्होंने आपका नंबर सेव कर लिया है तो वो आपको अपने ग्रुप्स में ऐड कर पाएंगे। अब चाहे वो मार्केटिंग वाला ग्रुप हो, एडवर्टाइजिंग वाला ग्रुप हो, या कोई भी ग्रुप हो, भाई वो आपको आधी रात को भी किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने एवरीवन का ऑप्शन सिलेक्टेड रखा है। तो इसे तो आप बाय डिफॉल्ट आप रहने ही मत दीजिए, इसे आप टॉगल करके आप हमेशा माय कॉन्टैक्ट्स रख सकते हो या माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट। अब माय कॉन्टैक्ट्स में क्या होता है, माय कॉन्टैक्ट्स में ये है कि दोस्तों आपके फोन बुक के जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो ही आपको ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई कॉन्टैक्ट के बाहर का व्यक्ति हो जो आपको किसी ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करता है, तो ऐड करते टाइम उन्हें एक पॉपअप आ जाता है कि आप जिसे ऐड करना चाहते हो वहाँ पे उनको नोटिफिकेशन जाएगी। सो बेसिकली अगर कोई कॉन्टैक्ट के बाहर का इंसान आपको ऐड करने की कोशिश कर रहा है तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, एंड सामने वाले इंसान को एक पॉपअप चला जाएगा। अगर आप उस नोटिफिकेशन को या इनविटेशन को आप एक्सेप्ट करते हो तो ही आप उस ग्रुप का हिस्सा बनोगे, नहीं तो आपके जितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो तो आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, वो तो अलाउड है। थर्ड इज माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट। माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट में ऐसा है कि भाई अगर हमारा कोई ऐसा कोई फ्रेंड है ना जो बहुत ही मिस्चीवियस है और भाई वो हमें आधी रात को किसी ग्रुप में ऐड कर देता है, तो यहाँ पे आप माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट को सिलेक्ट करके उस फ्रेंड को है ना आप टिक कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्रेंड है ना वो आपको आधी रात को कभी भी किसी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप उन मिस्चीवियस कॉन्टैक्ट्स को अलग से साइड में रख सकते हो ताकि वैसी वाली मस्ती भी ना हो पाए। सो बेसिकली इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि या तो आप माई कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट करके रखो या आप माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट इसे सिलेक्ट करके रख लो, एंड देन आप इस तरीके से इस पे डन पे कर दो क्लिक। बस अब आपकी सेटिंग हो चुकी है पूरी। अब आपको पूरी दुनिया में कोई भी कहीं से भी किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा, चाहे तो भी उसको आपकी परमिशन लेनी जरूरी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दीजिए।